A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to Academia Social Work YouTube channel. In this video, I am covering 25 questions of CUET PG MSW 2023 with explanation. I will cover remaining questions in my upcoming videos. Now, I am inviting you to participate in this video and make it interactive in comment box. If you new to this YouTube channel, please do subscribe and like this video. As you know that this paper is divided into two parts, namely part A and part B. Okay, I am covering part B only. Okay, so let's start question number 26. Okay, so firstly the first question is match the following. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं जो कि मैंने कंप्लीट करा दी है, यूनिट वन मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, अगर आपने CUET PG MSW 2023 का पेपर कोड QHUQP21 अगर पेपर कोड का जो सिलेबस देखोगे उसमें मैंने यूनिट वन जो है कंप्लीट करा दी है आपकी, जिसमें अब यूनिट टू जो है उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं, बाकी कुछ ही टॉपिक बचते हैं वो भी मैं अपकमिंग डेज में उनको कवर कर दूंगा। अगर आपने मेरी यूनिट वन की कंप्लीट वीडियो देखी हुई है तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अब इस क्वेश्चन को समझने की और उसके आंसर को, ठीक है। हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और उसमें मैं पार्टिसिपेशन चाहूँगा आप सभी का। अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेक्टिव लगेगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस भी मैं जल्द से ला सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। जैसे हमने पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स जो है बिलोंग करती है मैस्लो को, मैस्लोज नीड हायरार्की। ओके, साइको एनालिटिकल या साइको डायनेमिक थ्योरी अगर बात करते हैं तो वो आता है सिगमंड फ्रॉयड के लिए। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है एरिक एरिक्सन की, और थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि हिंस डायलेमा के नाम से भी आपने कभी ना कभी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो अभी मैंने सभी के सामने आपके आंसर लगा दिए। तो इसमें हम जैसे तरीका देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग किस तरीके से करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है मैस्लो नीड हायरार्की जो है, तो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स किससे बिलोंग करती है, मैस्लो की नीड हायरार्की से। तो हम देखते हैं ए के साथ थ्री कहाँ पर है, तो ए के साथ जो थ्री है वो टू पर ऑप्शन पर है और फोर ऑप्शन पर है, तो या कि वन ऑप्शन और ये थ्री ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है, बी का क्या है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी बिलोंग्स टू सिगमंड फ्रॉयड, तो एक टू का बी का होना चाहिए हमारा वन, तो बी का वन हम देखते हैं कहाँ पर है, तो बी का वन हमारा सिर्फ फोर में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, और एक चीज़ और, जो नंबर वगैरह लिखे हुए हैं इस तरीके के उसको आप इग्नोर करना, ठीक है, इसको इग्नोर करने के चलना है, ठीक है, सही नहीं है, सभी सही नहीं, कुछ सही है लेकिन सभी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी इसमें स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहला है द पुअर, क्वेश्चन है पीपल आर पुअर बिकॉज, लोग गरीब हैं क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क एंड सफर फ्रॉम लो इंटेलिजेंस। ओके, ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है, दे आर विक्टिम्स ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज मतलब ये होता है, अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं, जैसे सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए कि कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटा को, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को वहीं हम पीछे रोक के रखें, किसी भी कास्ट के बेस पर, किसी रीजन के बिहाफ पर या किसी और अदर फैक्टर के बिहाफ पर, उन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हम इस तरीके से डिजाइन कर दें ताकि सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वो लोग आगे ना आ पाएं, तो उसको बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी या स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। इसके बारे में कभी किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये कहता है विक्टिम है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज के। ओके, ऑप्शन सी क्या कहता है, दे केम फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज एंड आर नॉट एबल टू बजट फैमिली, यानी कि प्रॉब्लमेटिक फैमिली से आते हैं इसलिए उनके साथ वो अपने बजट को एनेबल, अपने बजट को जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। ऑप्शन डी का कहता है दे हैव लिमिटेड एक्सेस ऑफ डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि उनके पास एक्सेस जो है बहुत कम है। किसका एक्सेस बहुत कम है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो है एक्सेस उनके पास कम है। ओके, एक ऑप्शन ये है। ऑप्शन और डी फोर क्या कहता है, ऑप्शन ई का कहता है दे सफर फ्रॉम क्रोनिक इरेगुलरिटीज ऑफ वर्क एंड लो वेजेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपके सामने है, ए बी सी या डी। देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन ए जो है तो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, जस्टिफेबल नहीं, तो ऑप्शन ए को मैं एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से एलिमिनेट होगा तो यहाँ भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बचेंगे हमारे पास सिर्फ दो, बी
और डी, ठीक है, बी सी ई, यानी कि द विक्टिम फॉर स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज, ये बिल्कुल कंफर्म है। सी क्या कह रहे हैं, दे कम फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज आर नॉट एबल टू बजट प्रॉपरली, ये भी ऑप्शन जो है सही नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन सी भी अगर हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, तो फिर हमारे पास सिर्फ क्या ऑप्शन बचता है, बी डी एंड ई। तो आप देखना बी डी और ई को आप पढ़ेंगे तो ये जो है एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन डिफाइन करता है कि गरीब लोग गरीब क्यों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बी डी एंड ई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दैट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज एवरी ईयर, आफ्टर एवरी थ्री ईयर, आफ्टर एवरी फाइव ईयर और आफ्टर एवरी टू ईयर। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, तो आपको वो इजीली कर पाएंगे। वन ईयर नहीं है, टू ईयर नहीं है, और ये जो है दो साल वाला भी तीन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी, यानी थ्री इसका होगा आंसर, हर पाँच साल में होते हैं। ठीक है, अगर चलो आपके सामने वो क्वेश्चन है, अब ये बताइए कि इस जो इलेक्शन है जो कंडक्ट कराता है वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है या स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताना। अब अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसमें अजर्शन और रीज़न दिया हुआ है। ए हैप्पी होम इज़ अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट द वर्ल्ड कैन गिव अ चाइल्ड। ओके, ऑप्शन रीज़न क्या दे रहे हैं उसका, चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू वॉयलेंस आर चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू वॉयलेंस आर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये अजर्शन दिया है, ये रीज़न दिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सही है। ऑप्शन ए क्या आता है, दोनों ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है, रीज़न जो है उसका सही दिया गया है ए का। ऑप्शन बी क्या कहता है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं बट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए जो है, आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, यानी कि रीजन का सही नहीं दिया है अजर्शन का। ऑप्शन थ्री क्या कहता है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और ऑप्शन फोर क्या कहता है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। एक हैप्पी होम इज़ अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट होता है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट होता है वर्ल्ड का, कैन गिव अ चाइल्ड, पहला हो सकता है कि बच्चे को अगर हम दुनिया के सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उसको हम एक अच्छा घर दें, अच्छा अच्छी खुशियों वाला घर मकान घर दें, ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा, हो सकता है। लेकिन जिसमें जो सेकेंड ऑप्शन है उसका वो रीज़न नहीं है, तो इसके लिए जो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन पहले वाले का वो रीज़न नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आ गया अगेन, एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। ओके, ऑप्शन बी क्या कहता है, फिर उसमें देखना हमें कि इंटरेस्ट है, ये एप्टीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं, या फिर क्या है, ये पर्सनैलिटी है, इसको भी हमें देखना है। ठीक है, तो पहला कहता है एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, वो क्या है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, वैल्यूज़ है, पर्सनैलिटी। बी, एंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मॉडल ऑफ बिहेवियर। ओके, रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स अ हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। ऑप्शन डी, एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर इंगेजिंग इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर। ये क्या है, ये क्या कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब वीडियो को पॉज करो और देखो कि किसका क्या फीचर है, इंटरेस्ट किसको कहते हैं, एप्टीट्यूड किसको कहते हैं और पर्सनैलिटी किसको कहते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और देखो और इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर सही होगा हमारा सी, यानी ए का टू होगा। जब इंडिविजुअल्स की जो अंडरलाइन करता है पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड। अगर जो एंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मॉडल ऑफ बिहेवियर, आइडियल मॉडल ऑफ बिहेवियर उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का आइडियल है वो, हमारा जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो एक आइडियल समझा जाए, तो उसको क्या कहते हैं, वैल्यूज़, उनको क्या कहते हैं हम, वैल्यूज़। बी का क्या होगा हमारा, थ्री। सी का क्या है, सी का फोर। सी का मतलब क्या है, रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, डिस्टिंक्ट बनाता है, यानी कि पर्सनैलिटी आपकी एक दूसरे से आपको अलग बनाती है। तो इसका क्या आंसर आएगा, सी का आ जाएगा, फोर। ओके, उसके बाद डी जो एक बचता है, एन इंडिविजुअल से प्रेफरेंस फॉर इंगेजिंग इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू। अब मेरे आपको स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, मेरा स्पेसिफिक प्रेफरेंस है किसी चीज़ को लेकर, तो किस चीज़ से बिलोंग करेगा, वो करेगा मेरे इंटरेस्ट से। आई होप इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, द आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशंस मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें पूछा है कि जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, किस में लगाना है हमें उसको लगाना है एक
सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए जो हमारे टर्म्स हैं इनको देख लेते हैं, क्या है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो इसका उन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका सही सीक्वेंस इसको हमें लगाना है। तो सही सीक्वेंस लगाने के लिए जैसे आपने प्रियम्बल भी पढ़ा होगा, प्रियम्बल में भी लिखा होता है क्या, प्रियम्बल में लिखा होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आई होप कि इसमें ही आपको इसका आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर आपको मिला होगा इसके अंदर ही। अगर इसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। तो आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज लेड द फ्रेमवर्क ऑन विच हेल्थ केयर वॉज इवेंचुअली बिल्ट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32, वो क्या पूछता है, वो पूछता है इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज फ्रेमवर्क डिजाइन किया था हमारे हेल्थ केयर के लिए वॉज इवेंचुअली बिल्ट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला है अजीत कुमार कमेटी, भोर कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी और अरुण गोयल कमेटी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी, बोहर कमेटी। क्योंकि देखो अजीत कुमार कमेटी के बारे में इतना श्योर नहीं, लेकिन ऑप्शन थ्री नहीं हो सकते, इसमें एलिमिनेट कर। कस्तूरी रंजन कमेटी जो है वो बनाई गई थी आई गेस वेस्टर्न घाट के लिए बनाई गई थी, वेस्टर्न घाट कमेटीज के अंदर आती है कस्तूरी रंजन कमेटी। इफ़ आई एम रॉन्ग तो यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, भोर कमेटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बात करता है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स रिट विच मे बी अप्रोप्रिएट द रिट एन्यूमरेटेड आर। अब रिट पूछा है उसके बारे में, वो रिट क्या है, हैबियस कॉर्पस होगी, हैबियस कॉर्पस मैंडमस है या मैंडमस है, प्रोहिबिशन या कोवारंटो है, प्रोहिबिशन कोवारंटो सर्टियोरारी सर्टियोरारी एंड मैंडमस या कोवारंटो सर्टियोरारी मैंडमस प्रोहिबिशन और हैबियस कॉर्पस या वो सभी की सभी रिट हैं। आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर बहुत ही आसान है, जितनी भी सारी रिट हैं वो सभी के सभी ली जाती है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 4, यानी कोवारंटो सर्टियोरारी मैंडमस प्रोहिबिशन एंड हैबियस कॉर्पस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 डैश आर्ग्यूड दैट द इनविजिबिलिटी ऑफ डिसेबल कैन बी कंपेयर टू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ बुक इनविजिबल मैन। ओके, अभी उसके बारे में पूछा है इनविजिबल मैन के, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा अनीता घाई, अनीता घाई आर्ग्यूड दैट द इनविजिबिलिटी ऑफ ए डिसेबल कैन बी कंपेयर टू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बुक इनविजिबल मैन। और इसका आंसर क्या होगा हमारा, अनीता घाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 टॉक्स अबाउट विच व्हाट इज द फ्रेंच टर्म फॉर इकोनॉमिक फिलोसॉफी, व्हाट इज द फ्रेंच टर्म फॉर इकोनॉमिक फिलोसॉफी दैट मीन्स लीव अलोन एंड लेट इट बी, लीव अलोन एंड लेट इट बी। तो इसका आंसर आपने बहुत, ये क्वेश्चन, ये टर्म्स आपके लाइफ में बहुत बार आया होगा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लेसेस फेयर। ओके, इसका आंसर क्या होगा, लेसेस फेयर। 30 आंसर होगा इसका, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट है दो, ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV इज वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिटिस्टिक डिसीज। ओके, ऑप्शन स्टेटमेंट टू कहता है इम्यून सिस्टम बिकम्स वीकर एज अ रिजल्ट ऑफ HIV। ऑप्शन स्टेटमेंट वन भी है, स्टेटमेंट टू भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कि पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV इज वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेज। तो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, वन एंड बी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफिशियली यूज इन इंडिया, द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं ऑफिशियली इंडिया में किस तरीके से यूज होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए ICD-5 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल डिसऑर्डर। ओके, और नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर,
या फिर डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस एंड सॉर्टिंग ऑफ मेंटल मॉर्बिडिटीज एंड मैनुअल। नहीं, इसमें जो हमारा सीधा आंसर है वो बहुत ईजी है, पहला है जो ऑप्शन बी है इसका, ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल डिसऑर्डर। ओके, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज नहीं आएगा इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात चल रही है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को क्लासीफाई करना और मेंटल डिसऑर्डर को क्लासीफाई करना। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट has implemented which of the following mission for the rehabilitation of children in difficult circumstances including orphan and destitute children। तो ऑप्शन ए करुणा, बी वत्सल्य, सी रक्षक या डी वरुण। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, आप इनकी वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं और भी अगर जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी अलग 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 फॉर्म्स में मिलेगी। तो इसका आंसर जो क्या होगा वो होगा बी वत्सल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज डैश, डैश इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सेल ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। अब पूछा है हमसे, क्या पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपको पता है, एक्सरसाइज के एन एक्सरसाइज, ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कहता है हमारा, ऑप्शन सी कहता है हमारा वैट, या ऑप्शन डी कहता है हमारा GST। अब इसमें पूछा है कि हमारा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा जो सेल के ऊपर लगता है पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के बाय द गवर्नमेंट, वो है एक्सरसाइज टैक्स। ओके, GST ऑल्सो कम इन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। ICDS स्टैंड्स फॉर, ICDS का क्या फुल फॉर्म है, ICDS का इसमें क्या पूछा है हमसे, ICDS का हमसे फुल फॉर्म पूछा है, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग चाइल्ड डेवलपमेंट सपोर्ट, ओके ऑप्शन बी का कहता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ऑप्शन फोर क्या कहता है इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट स्कीम, नहीं। इसका आंसर देखो, इसका आंसर हमारे पास बहुत सिंपल सा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ओके, ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द प्राइमरी बेसिस ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, इनमें से कौन से प्राइमरी बेसिस क्या है जिससे हम इंडिया को जो है क्या कहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द प्राइमरी बेसिस, प्राइमरी बेसिस किसको करता है वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया का, फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, या फेडरल स्ट्रक्चर है। अब उसमें पूछा है वेलफेयर, वेलफेयर में फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, ऑप्शन फोर तो इसमें एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, ऑप्शन फोर एलिमिनेट हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स आपको इंडिविजुअल दिए गए हैं ताकि वो आपके राइट्स हैं, वो आप वेलफेयर के लिए नहीं है, वो आपके पॉलिटिकल और सोशल राइट्स हैं, वेलफेयर के लिए नहीं है, वो आपको प्रोटेक्शन के लिए है। तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट भी वो हो गया, एलिमिनेट हो गया। जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी जो है वेलफेयर के कंटेक्स्ट में नहीं आएगी, तो वेलफेयर के कंटेक्स्ट में जो आएगी DPSP आएगी, जो कि आर्टिकल 51 तक है। यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स इफ़ आई एम गेटिंग रॉन्ग। ओके, तो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, तो इसका आंसर क्या, और सॉरी DPSP, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये ग्रुप फॉर्मेशन के लिए पूछा है, जैसे कि कोई भी नया ग्रुप बनता है तो उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, कोई भी ग्रुप बनता है तो उसकी हम क्या कह सकते हैं कि इसके स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं। तो उसके आपके सामने ऑप्शन ए है फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, स्टेबलाइजेशन और डिसिमल। ओके, ऑप्शन बी क्या कहता है, गोल सेटिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, रोल सेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर्म करता है, नॉर्म करता है, स्टॉर्म करता है, देन परफॉर्म करता है। ओके, ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। तो इसमें सही आंसर जो होगा हमारा, आई गेस ट्रैकर ने दिया था ये स्टेजेस जो हैं, या ट्रैकर ने दिए हैं कि ग्रुप, किसी भी ग्रुप के बनने की स्टेजेस क्या होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 4, यानी कि क्या है, फॉर्मिंग, पहले कोई भी ग्रुप फॉर्म होगा, फिर वो स्टॉर्म होगा, है ना, स्टॉर्मिंग करेंगे वो लोग, किस चीज़ की स्टॉर्मिंग करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, फिर उसके लिए एक नॉर्म्स डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देन उसके बाद परफॉर्म करेंगे। तो ठीक है, तो पहले फॉर्मिंग होगी, फिर स्टॉर्मिंग होगी, फिर नॉर्मिंग होगी, देन परफॉर्मिंग होगी। तो आंसर क्या होगा इसका, 4, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
स्टेटमेंट दी हुई है, द इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस सोशल चेंज एंड अफेक्टेड सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ओके, स्टेटमेंट वन जो कहती है ये कहती है, क्या आप इससे बिलीव करते हैं, क्या आप इस चीज़ में एग्री करते हैं कि नहीं? मैं तो इससे एग्री करता हूँ स्टेटमेंट वन से। स्टेटमेंट टू क्या कहती है, स्टेटमेंट टू कहती है हमारे से कि द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज इफेक्टेड ऑन फैमिली लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड सोशल लाइफ। ऑफकोर्स दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिना टाइम गवाए, इसका सही आंसर ले लेते हैं हम ए, यानी दो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इमेज द फॉलोइंग है, इसमें कुछ मूवमेंट्स दिए हुए हैं और उसमें प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट दिए हुए हैं जो उसके मेन लीडर थे, जिसमें चिपको मूवमेंट है, एंटी करप्शन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नर्मदा बचाओ। इसमें अगर आपको तीन भी पता है, दो भी पता है, तो आप बहुत हद तक इसको एलिमिनेट करके ले जाएंगे। जैसे कि एंटी करप्शन के लिए अन्ना हजारे कर सकते हैं, बी का थ्री देखो कहाँ पर आ रहा है, बी का थ्री दो ऑप्शन में आ रहा है, एक तो ए में आ रहा है और एक टू में आ रहा है, ठीक है। चिपको मूवमेंट में क्या आ रहा है, सुंदर लाल बहुगुणा, तो चिपको मूवमेंट का क्या है, ए का टू और बी का थ्री देखते हैं कहाँ पर है, ए का टू और बी का थ्री जो है इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सभी करेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो चला गया वो किसको चला गया, वो अरुण अरोय को चला, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश ईयर्स हु कमिट्स अ क्राइम इज नॉट हेल्ड लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। ठीक है, अब कोई चाइल्ड है वो बिलो एज है, किसी चीज़ के उसको कमिट नहीं माना, जिसको किसी भी तरीके का मतलब ऐसे क्राइम क्रिमिनल नहीं माना जाए, क्राइम नहीं माना जाएगा अगर वो उसकी उम्र इतने से कम है। तो आपके ऑप्शन ए है 14, उसके बाद बी है ऑप्शन बी है 12, और ऑप्शन बी 12 है, और ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन 3 यानी सी है 9, और ऑप्शन डी जो है वो कहता है 7 का। ठीक है, अब इसमें देखो, अब सोचने की बात यह है कि अब बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ क्यों हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ 18 साल से कम की उम्र के लोगों का कुछ भी क्राइम करते हैं तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है जैसे निर्भया के केस के बाद भी जो है सीनियर हीनियस क्राइम के अंदर 16 साल की उम्र के को भी हम जो है क्राइम के क्राइटेरिया में ला सकते हैं, फिर उसको लीगली क्रिमिनल भी हम कह सकते हैं कि उनने क्राइम किया है तो वो उसको जो सज़ा पूरी मिलेगी। ठीक है, अगर हीनियस या फिर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस अगर है तो उसमें जो है पूरा उसको सज़ा मिलेगी। अब एक टर्म है, लीगल टर्म है, डोली डेलिजेंसिया। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि कोई इस उम्र से कम के बच्चों को कुछ भी कैसा भी क्राइम कर दें, वो कैसा भी और कैसे भी क्राइम कर दें तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, नॉट हेल्ड लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। तो वो उम्र होती है हमारी 7 साल। क्या होती है वो हमारी उम्र? 7 साल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 46 क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 टॉक्स अबाउट कंसेप्ट और एग्जांपल। अगर आपने मैरिज वाली मेरी वीडियो पढ़ी देखी होगी, जिसमें मैंने यूनिट वन में मैंने जो कवर किया है मैरिज कंसेप्ट जो उसमें कवर किया, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आंसर आप बहुत आसान से बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 46 में जो इधर कंसेप्ट दिए गए हैं और एक साइड दिए गए हैं हमारे क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा इसमें फिट बैठता है। पहला है पोलीएंड्री क्या होता है? पहले इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हस्बैंड मैरी सिस्टर ऑफ वाइफ, नहीं तो नहीं है। वुमन मैरी ब्रदर ऑफ हस्बैंड, नहीं ये भी नहीं है। वन हस्बैंड वन वाइफ, नहीं। वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड यानी कि एक वाइफ और उसके एक से ज़्यादा एक औरत के एक से ज़्यादा पति का होना, उसको क्या बोलते हैं? पोली एंड्री। अगर वन हस्बैंड और वन वाइफ है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। सोरोरल गैमी उसको बोलते हैं जब एक हस्बैंड अपनी किसी भी मान लो कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति की वजह से या कोई भी ऐसी सरकमस्टांसिस की वजह से अगर हस्बैंड है अगर वो अपनी वाइफ की सिस्टर से जब शादी कर लेता है, चाहे वो उसकी वाइफ की डेथ के बाद हो या कुछ और रीज़न की वजह से, तो जब उससे वो शादी कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं हम? सोरोरल पॉलीगैमी बोलते हैं उसको। ठीक है, और
और हस्बैंड मैरी सिस्टर ऑफ वाइफ, सिस्टर्स ऑफ वाइफ, ठीक है। और फेटरनल वो है वुमेन जब मैरी कर लेती है किसी भी अपने हस्बैंड के भाई से, वुमेन भी तो वाइफ भी शादी अगर कर लेती है अपने हस्बैंड के ब्रदर से तो उसको भी क्या बोलते हैं वुमेन, उसको बोलते हैं फ्रेटरनल पोली एंट्री। ओके, तो आपके सामने ऑप्शन दे दिए, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, आप इसका आंसर जो है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर मैं आपको ही बता देता हूँ, चलो इसका आंसर है हमारा सी, ए का 4 यानी कि पोली एंट्री का वन वाइफ मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है। बी का 3 मोनोगामी का मतलब वन हस्बैंड वन वाइफ, सी का 1 यानी सोरोलगामी का हस्बैंड मैरी कर लेता है सिस्टर की अपनी वाइफ की सिस्टर से, और फेटरनल जो है वुमेन मैरी कर लेती है अपने अपने हस्बैंड के भाई से, ठीक है। तो इसको क्या ये जो है पूरा इधर कंसेप्ट है एग्जांपल, अगर मेरी वीडियो आपने वो मैरिज वाली देखी है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर एक एक चुटकी में कर सकते हैं। मैंने उसमें टाइप्स ऑफ मैरिज भी बहुत बार और भी ज़्यादा मैरिजेस के बारे में उसमें बताया है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 वेरी इजी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफाइड टारगेट टू अचीव, इसमें पूछा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको हम SDG के नाम से भी जानते हैं वो कब तक अचीव करने का हमने टारगेट रखा है। इससे पहले होता था MDG मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स, तो वो कब से कब तक थे, वो 2000 से 2015 तक थे, ठीक है, MDG, और 15 से हमारा 30 तक क्या है SDGs। ओके, इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, विदिन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ राइट्स, विच एरियाज ऑफ द राइट्स आर कॉल्ड नेगेटिव फ्रीडम। अब पूछा है इसमें कौन से राइट्स हैं जो खोले गए हैं, क्या नेगेटिव फ्रीडम बोला गया है उनको, क्या बोला गया है नेगेटिव फ्रीडम। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा कल्चरल राइट्स एंड सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड हमारे सिविल राइट्स एंड सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स। इसमें बोला गया है कि UDHR में 3 डिफरेंस एरियाज ऑफ राइट्स हैं, देर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ राइट्स, ठीक है, विच एरियाज ऑफ राइट्स आर कॉल्ड नेगेटिव राइट्स, नेगेटिव फ्रीडम इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें जो है स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, है ना, स्टेट के पास कम से कम ही पावर होती है उसमें इंटरफेयर करने की, इसलिए उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, उसका आंसर होगा हमारा बी, पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डोमेन ऑफ चाइल्ड राइट्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन 1989, ठीक है। अब इसमें पूछ दिया डोमेन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डोमेन ऑफ चाइल्ड राइट्स अकॉर्डिंग टू UNCR, ठीक है। अब इसमें आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ओके, ऑप्शन बी क्या कहता है हमारा, ऑप्शन बी कहता है हमारा राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू पार्टिसिपेशन। ओके, आगे क्या बढ़ता है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू डेवलपमेंट। तो इसमें सभी का जो कवर हो जाते हैं वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला है राइट टू लाइफ भी है, एजुकेशन का भी अधिकार है आपको, प्रोटेक्शन का भी अधिकार है आपको, और आपको जो है आपको अगर शोषण हो रहा है तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, तो वो भी आपका एक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्या है ये, ठीक है। तो अगले जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई है, और अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा रहा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा कमेंट बॉक्स में, और आपने वीडियो को ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया या वीडियो पर अच्छे व्यू आए, तो मैं अदर जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो पहला जो उसका 50 है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो पहला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन ये है, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद पर्सन्स सोशल पोजिशन और स्टेटस इज नोन एज, जो कोई भी राइट है, अधिकार है या फिर जिम्मेदारियां हैं किसी भी पर्सन की जो है सोशल पोजिशन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, उस स्टेटस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टीम बोलते हैं या सोशल इमेज बोलते हैं या सोशल रोल्स बोलते हैं या एस्क्राइब स्टेटस बोलते हैं। सेल्फ स्टीम इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अलग है, ठीक है। सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज क्या होती है, सोशल इमेज क्या होती है, कि आपने एक समाज आपके बारे में क्या सोचता है, आप क्या है, आपकी जो है पर्सनैलिटी, आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है उस चीज़ से कि आपके समाज में क्या इमेज है, सोशल इमेज आपकी कैसी है, सोशल इमेज ख़राब हो जाएगी, सोशल इमेज आपकी, वो सोशल इमेज ही कहते हैं उसको जो आपकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ी हुई है, क्या वो है। ऑप्शन सी क्या कहता है, सोशल रोल। ऑप्शन डी क्या कहता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस। अगर आपने टैलकॉट पार्सन के
के बारे में पढ़ा है सोशियोलॉजी में, तो एक होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, एक होता है आपका अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो आपको मिल जाता है, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर, आप एक मेल की तरीके से पैदा हो, मेल एज अ मेल मेंबर सोसाइटी में पैदा होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एज अ मेल, एज मेल होने के नाते, ठीक है। अगर फीमेल होते हैं तो फीमेल होने के नाते आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो जो है उसमें आपने कुछ मेहनत नहीं की है, उसमें आपका कुछ रोल नहीं है वो सब चीज़ मिलने में, आपका खुद का एक लड़का बनने में आपका कोई खुद का रोल नहीं है, आपको एक लड़की है तो आपका उसमें कोई रोल नहीं है, वो आपको मिल गया है। या जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ की भाषा आपने अगर सीख ली है, जान ली है, तो उस वो भाषा आपको समाज ने ही दी है, वो भाषा आपको समाज की भाषा है, ठीक है। तो उसमें आपका कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है, तो आपका क्या है, एस्क्राइब्ड है, जो आपको मिल गया है, आपको नाम, आपका सरनेम, आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस है, जो भी आपकी कास्ट है, जो भी आपका रिलीजन है, वो आपका एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है। अचीव्ड स्टेटस वो होता है जो कि आपने खुद के एफर्ट्स पे हासिल किया हो, अचीव किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने कोई रेस में जीते हैं, कोई रनिंग में जीते, स्पोर्ट्स में आप अच्छे खेले हैं तो आपका अचीवमेंट है, आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपका अचीवमेंट है ना। तो वो सब चीज़ें जो है आप खुद के एफर्ट्स से, जो कि आपको अलग करता है दूसरों से, तो वो उसको बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस, और एस्क्राइब्ड स्टेटस उसको बोलते हैं जो आपको समाज ने या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिल जाना जो कि आपने उसके लिए कोई एफर्ट ना किया है, ना ही आपने उसमें, आपका उसमें कुछ रोल है, ठीक है, तो उसको एस्क्राइब्ड स्टेटस बोलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट, इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद ही बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर खुद बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो CUET PGMSW की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका पेपर कोड है HUQP21। ओके, तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, बाय बाय।